हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तस्लीम और आप देख रहे हैं टेकी हाउ। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं गूगल FRP लॉक के बारे में, फैक्टरी रीसेट प्रोटेक्शन। अगर आपके समझ में नहीं आया तो अभी मैं आपको बताऊं। तो आपने भी कभी ना कभी अपने फ़ोन को रीसेट किया होगा। तो रीसेट करने के बाद में होता क्या है कि जब हम फ़ोन ऑन होता है तो दोबारा हमसे अकाउंट मांगता है, और कई बार बाई चांस ये होता है कि हमें वो अकाउंट पता नहीं है, या फिर बहुत सारे, देखिए आप इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि फ़ोन जो है ठीक से चलाना नहीं आते। वो ID फर्स्ट टाइम में जब फ़ोन लेते हैं तो किसी से भी बनवा के डलवा लेते हैं, उसके बाद उन्हें भी पता नहीं होता कि कौन सी ID डली है। तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि जब फ़ोन को रीसेट कर देते हैं हम, तो जब फ़ोन ऑन होता है तो हमसे दोबारा वही ID मांगता जो कि पहले हमने साइन इन कर रखी थी। और अगर वो ID हमारे पास नहीं होती है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हमें मार्केट में जाना पड़ता है, जो लोग मोबाइल की फ्लैशिंग या अनलॉकिंग करते हैं उनके पास फ़ोन लेकर जाना पड़ता है और अच्छी खासी रकम चुकानी पड़ती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि फैक्टरी रीसेट प्रोटेक्शन क्या होता है, FRP लॉक जिसको बोलते हैं। ये एक डेटा प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। एंड्रॉयड का एक बिल्ट इन फीचर है जो कि एंड्रॉयड 5.1 या उसके बाद के जो हायर वर्जन आते हैं उनके लिए में ये जो यूज़ किया जाता है या उनके साथ में जो है आता है। अभी इसमें होता क्या है कि जब हम डिवाइसेस को अपने खरीदते हैं नया या जिसमें साइन इन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली है क्या एक्टिवेट हो जाता है आपके फ़ोन में जब आप साइन इन करते हैं तो। और उसके बाद में जब हम फ़ोन को रीसेट करते हैं तब तो हमसे साइन इन करने के लिए ये ऑप्शन मांगता है। तो अब मेनली इसको जो बनाने का मेन मकसद है वो यही है कि जब आपका फ़ोन कभी चोरी हो जाता है या खो जाता है तो उसमें होता क्या कि फ़ोन मिलने वाला है जो उसको यूज़ ना कर पाए। मतलब कि जैसे कि हमने पहले साइन इन कर रखा है तो वो अगर वही अकाउंट अगर वो रीसेट भी फोन को कर देता है तो रीसेट करने के बाद में ही इस अकाउंट का काम में आता है। उस अकाउंट को रीसेट फोन को करने के बाद ही उस अकाउंट में जो फोन जो मांगेगा दोबारा से, तो आपको वही अकाउंट से साइन इन करना पड़ेगा वरना आपका फोन एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये इसीलिए बनाया गया है, तो इसी को फैक्टरी रीसेट प्रोडक्शन बोलते हैं। आई होप कि आप अब समझ पाएंगे कि FRP लॉक क्या होता है। एंड्रॉइड 5.1 के बाद में आपको हर एक एंड्रॉइड वर्जन में ये देखने को मिलेगा। लेकिन अब बात आती है ये कि क्या ये पूरी तरीके से काम करता है, क्या इसका फायदा हो पाता है यूजर्स को या नहीं हो पाता। तो मैं अगर आपसे कहूँगा कि इसका बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है अभी तक जो हमने देखा है। एंड्रॉइड 5.1, 6.0, 7, 8.1 जो भी वर्जन ले ले, हर एंड्रॉइड वर्जन के अंदर बहुत सारे ऐसे बग्स हैं जिनकी मदद से क्या डिवाइसेस को अनलॉक या इन अकाउंट्स को बाईपास किया जा सकता है। जी हाँ, मार्केट में ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, वरना 90% डिवाइसेस तो ऐसे ही हैं कि बिना किसी टूल के मदद के आसानी से बाईपास किए जा सकते हैं। इससे यूजर्स को मुझे तो नहीं लगता कि कोई अभी तक फायदा होता होगा कि ये जो है आसानी से जो है कि बाईपास किए जा सकते हैं। तो अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल जरूर दिखाऊंगा कि किस तरीके से इनको बाईपास किया जा सकता है, और उसके बाद में आप भी अपनी डिवाइसेस को अनलॉक या बाईपास कर पाएंगे बिना किसी दूसरे की मदद लिए बिना। और वैसे भी मैंने डिसाइड किया है कि अपने चैनल पर आपको मोबाइल की फ्लैशिंग और अनलॉकिंग के बारे में भी बताया जाए कि किस तरीके से डिवाइसेस को फ्लैश किया जाता है। मतलब कि जैसे कि अगर नॉर्मल भाषा में आपको बताऊं तो मोबाइल पर सॉफ्टवेयर डालना, जैसे कि आपने देखा होगा किस तरीके से फोन के अंदर सॉफ्टवेयर डाला जाता है या फ्लैश किया जाता है, किस तरीके से अनलॉकिंग की जाती है फोन्स की, किस तरीके से रिपेयर की जाती है, या कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनका यूज लिया जाता है इनको फ्लैश और अनलॉक करने के लिए। तो ये एक पूरी सीरीज है जो मैं सोच रहा हूँ कि बनाऊँ अपने चैनल पर और आपको बताया जाए। हालांकि यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी जिसमें लोगों ने बताया है, लेकिन वहाँ बिगिनिंग से मुझे ऐसा लगा कि कहीं भी सही तरीके से ऐसा स्टेप बाय स्टेप नहीं बताया गया है कि डायरेक्टली कई बार आपके सामने फ्लैश टूल रख दिया जाता है, फ्लैश फाइल रख दी जाती है, एक फोन का मॉडल बता दिया कि इस तरीके से फ्लैश होता है, लेकिन मेन चीज जो बिल्कुल स्टेप बाय आपका बेस है वो कहाँ से बनेगा वो आपको पता नहीं होता, जिसकी वजह से आप नहीं कर पाते। आपको अगर ड्राइवर से इंस्टॉल नहीं करना आते फोन में तो आप किस तरीके से फ्लैशिंग कर पाएंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल शुरू से बताऊंगा कि किस तरीके से मोबाइल को फ्लैशिंग की जाती है, और ये एक अच्छा काम भी हो सकता है। अगर आप चाहें तो इसका अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लॉक्स लगते रहते हैं आजकल, तो आप अपने जो है बिजनेस भी कर सकते हैं इसका। लेकिन वो बात अलग रही, मैं मेरा काम है आपको सिखाना, तो मैं जरूर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनकी फ्लैशिंग और अनलॉकिंग की जाती है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो को देखकर आपको कुछ ना कुछ जरूर नया सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि और आगे की जो वीडियोस हैं वो आपको इंस्टेंट मिल पाए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।